मच्छर जब काटेगा तो वो ये थोड़ी देखेगा कि ये इसने ज्ञान सुना या नहीं सुना। ज्ञान तो नहीं सुना तो काट लूं, और ज्ञान सुना तो रहने देता हूं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। मच्छर आएगा काट जाएगा, आप रोक सकेंगे उसको? आप बंदर यहां नाच नाच रहे, रोक सकते हो उसको? अब बंदर एक्चुअली ना बड़ी तकलीफ में है, वो कहते लो ये तो सुन रहे ज्ञान, हमको एंट्री भी नहीं, हम दर्शन भी ना करें, तब अपने होने का परिचय दे देते, रुक सकते, शरीर है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी बुखार कभी खांसी कभी अस्थमा और कभी दिल का रोग हो गया। अच्छा, दिल का रोग भी क्यों होता है? क्योंकि तुम दिल वहां वहां लगाते हो जहां नहीं लगाना चाहिए। आप दिल दे देते हो कभी इसको कभी उसको, दिल देते हो किसी इंसान को और उससे चाहते हो वफादारी, इंसान की फितरत बेईमानी की है। तो कभी बेटा धोखा दे गया, कभी बाप कभी भाई कभी बहन कभी पति कभी बच्चे कभी दोस्त, फिर होता है ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया। अब आपको भी तो अक्ल होनी चाहिए ना, दिल कहाँ देना कहाँ नहीं देना, ऐसे ही दे दो, सोच के देना चाहिए। वो गजल है ना, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आप दिल देते पति को, वो कहते पहले मेरा कहना मान। बड़ा सही लिखा लिखने वाले, जिस दिन पत्नी पति का कहना ना माने पति नाराज, बच्चे खुश हैं कब तक, जब तक उनकी बात मानो। तो सब रिश्तों में ये शर्त है, मेरा कहा मानो हम, ठीक नहीं मानो तो चला जा, फिर पत्नियां तो कोर्ट में ले जाएंगी। कभी पत्नी जिद कभी पति जिद करते हैं, लड़ाइयां होती, आप फिर रोते हो कि ये बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हो गया। भाई दुख होना ही था, जहां नहीं दिल देना चाहिए वहां दे दिया, जहां मन नहीं लगाना चाहिए वहां मन लगा लिया। तो आप फिर मन को तो तकलीफ होगी होगी, वो भोगनी पड़ेगी आपको। जब आप अपना आत्म स्वरूप भूल जाएंगे और जब आप अपना सुख किसी और में रख देंगे, तो जिसके पास भी अपना सुख रख देंगे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। आप कहते हैं मैं सुख पाऊंगा जब मुझे पैसा मिले, अब जब तक पैसा ना मिलेगा दुखी हैं। अच्छा, पैसा मिल गया सुखी हैं, मिल के चला गया फिर दुखी। मेरा सुख मैंने जब किसी मनुष्य के पास रखा तो उस मनुष्य की मर्जी पे फिर मेरा सुख टिकेगा। All the happiness in samsara is because of the conditions applied, where everybody is twisting arms of another person to gain what they want. And if you don't do what they want, they are upset, they are angry. So, because you cannot live without your relations, hence you listen to them, do what they want, and then suffer more. Hence, everybody is suffering in one way or another.
In one way or another, everybody is suffering. It is only knowledge which tells you that the happiness which you are seeking, the bliss which you are seeking, that very embodiment of bliss is none other than your own real self. मैं ही आनंद स्वरूप हूँ अगर ये बात निश्चय से समझ लग जाए तो फिर आप अपना सुख ढूंढने कहीं और जाएंगे क्या? देखो आपके घर में चीनी खत्म हो गई तो आप पड़ोसी के घर जाएंगे भाई थोड़ी चीनी दे दो। अच्छा चीनी घर में है तब थोड़ी जाओगे चीनी लेने। ऐसे ही आपके मन में अगर सुख है तो आप किसी और से सुख लेने थोड़ी जाएंगे। आपके पास है सुख, सुख ही नहीं परम सुख है। संसार में सुख है पर संसार में परम सुख नहीं है। संसार में सुख ना होता तो कोई शादी ना करते। अरे सजो बजो, श्रृंगार करो, कपड़े पहनो, डिजाइनर पहनो, तो मेहंदी मॉकटेल कॉकटेल पता नहीं क्या क्या, नाचो फोटोग्राफर के सामने। आजकल नया रिवाज है, पहले लोग नाचने वाले बुलाते थे, नाचने वाली आती थी, सबको एंटरटेन करती थी, पुरानी रिवाज। आजकल घर वाले ही नाचने वाले हो गए। नाचो पार्टी, नाचो गाओ, ग्रेट फन। सुख ना होता तो कोई शादी ना करता। सुख है, बिल्कुल है, पर ये वो सुख है जो कंडीशनल है। एक लड़की कह रही थी, बैंड बाजे के साथ आऊंगी तेरे घर और जो ठीक से ना रखा तो तेरा बैंड बजा के जाऊंगी। सुख है शादी में, पर जब शादी टूटती है तब तुम जानते हो कितने बुरे हाल होते। अरे गिरफ्तारियों वारंट निकल जाते। जिसे मम्मी जिसे डैडी कहती थी उसका नाम लेके कहेगी अब जेल में देखूंगी तुझे, चक्की पिसवाऊंगी तुझसे। वैसे आजकल जेल में चक्की नहीं है। संसार का सुख कंडीशनल है, लिमिटेड है। और तेरा निज आत्मा आनंद स्वरूप है पर अज्ञान है तो इसलिए जानता नहीं है, और चूंकि जानता नहीं है इसलिए सुख के लिए ठोकरे खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। खा खा के भी कईयों को अकल नहीं आती, कईयों को आ जाती। अज्ञान में दुख है, अज्ञान में ठोकरे हैं, अज्ञान में कष्ट है, ज्ञान में कोई कष्ट, सब कष्ट दूर हो गए। अच्छा भोजन खाओ सुख है, स्त्री संग पुरुष रहे सुख है, बच्चों के साथ सुख है, बड़े घर में सुख है, एयर कंडीशन रूम में सुख है, लॉटरी निकले सुख, सब सुख है, पर ये सुख आएंगे और जाएंगे। पर आत्मा बिना किसी कंडीशन के आनंद, ये उसका स्वरूप है। ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है। आज रसमलाई अच्छी लग रही खा रहे हो, कल डायबिटीज हो गई तो रसमलाई ही जहर लगेगी। क्यों? खाके तकलीफ होती है। पर आत्मा आनंद स्वरूप और परिस्थिति में है, बाहर कोई परिस्थिति हो, इसलिए ज्ञानी का आनंद कभी जाता नहीं, क्योंकि उसका आनंद कहीं बाहर से आता नहीं। तो व्यवहार में इंटरेक्शन विद पीपल माइट गिव सम ट्रबल्स एंड इश्यूज, बट द ज्ञानी नोज वेयर द रियल ब्लिस इज, एंड दैट इज इन द ओन सेल्फ।
सही अर्थ में ज्ञानी मुक्त हो जाता है, गुलामियों से मुक्त हो जाता है। संसार में बहुत लोग पीड़ा इसीलिए सहते हैं कि ये जो हमारे रिश्ते हैं, संबंधी हैं, ये हमें सुख देंगे, और मुश्किल वक्त में यही काम आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे तो समय बताएगा, पर उम्मीद यही होती, ये काम आएंगे, इसलिए उनके नखरे पखरे सब तुम लोग सहते रहते हो। इसलिए बुरे से बुरे रिश्तेदार जिसको पीठ पीछे गाली देते हो, वो जब सामने आए तो उसको भी प्यार से नमस्ते बुलाते हो, क्योंकि किसी दिन काम आ सकता है। कहावतें बन गई ना, मुश्किल में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। तो जिस दिन कोई आके तुम्हारे आगे ज्यादा हाथ जोड़े, तो जानना तुम गधे हो जिसको वो बाप बना रहा है। है ना कहावत, मुश्किल में गधे को भी बाप बनाओ। तो कोई ज्यादा चिपड़ा चुपड़ी बात करे तो समझ लेना वो मुश्किल में है, तुम गधे हो, बाप बनाने वो आ गया। संसार में बाहर जाएंगे तो दुख है, और अंतर उतर जाए, मन के पीछे, मन के अंतर, बुद्धि के पीछे, बुद्धि के अंतर, कौन चैतन्य सत्ता है, किसके अस्तित्व से आनंद है, तो वो तो अपना आप ही है और कोई है नहीं। जैसे जैसे सुनेंगे ना ये बात, तो कई से प्रश्न है, वो समय के साथ धीरे धीरे हम खुलते चले जाएंगे। 11वां श्लोक। नानायुपाधि वशात इव जातिनामाश्रमाद्यः आत्मनि आरोपितः तो ये रसवर्णयादि भेदवत। नाना उपाधि वशात इव, उपाधि एक नया शब्द आ जा रहा है, वेदांत का बड़ा कीमती शब्द है ये उपाधि। उपाधि, उप माने पास, आधि माने जिसका अध्यारोप किया जाए, जिसको माने एक का, एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया, एक का एक पर सवार हो जाना, ये इसे हम कहते वेदांत की भाषा में अध्यारोप हो जाना। पहले इतना शब्द समझो, उप माने पास, आदि माने आरोपित हो जाना। जैसे पानी में हमने लाल रंग मिलाया तो पानी लाल हो गया। अच्छा, पानी लाल है या पानी लाल हो गया? और किसी किसी तरीके से वो हम डिस्टिल कर दें उसे, तो ये रंग किसी प्रोसेस से हम फिर से उसमें से निकाल सकते, पर अगर रंग पानी में डाल दें तो वो कलर हो गया। नीला डालो तो पानी नीला, लाल डालो तो पानी लाल। शरबत बनाते हो ना, अब गोला जिस रंग का, गुलाब का शरबत, तो संदल का गोला तो सफेद हो गया, खस का गोला तो पानी हरा हो गया, और जामुन का शरबत बनाओ तो पानी जामुनी हो जाता है। तो क्या हुआ, पानी में गुलाब के शरबत का मिक्स हो जाना, माने गुलाब का रंग पानी पे चढ़ गया। ये पानी का रंग है नहीं नेचुरली, पर उप आदि, उप माने पास आया और उसी पे चढ़ गया। उपाधि, नाना उपाधि वशात इव, ऐसे मुझ आत्मदेव के पास कुछ उपाधियां हो गई। कैसी? पहली आई बुद्धि, मन की।
जब बुद्धि और मन का मेरे से संसर्ग हुआ, संसर्ग मतलब एसोसिएशन हुआ, तो मन बुद्धि का मुझ में आरोप हो गया, या यूं कहो मैं अपने आप को मन मानने लग गया, मैं मन हूं, और इंद्रियों के साथ जुड़ा मैं, तो इंद्रियों का रंग मेरे में आ गया। जैसे दुखी होता है मन, पर आप क्या बोल, आपको क्या महसूस होता है? मैं ही दुखी हूं। सुखी होता है कौन? हाथ सुखी होता है, तुम्हारा पैर सुखी होता है, कौन सुखी होता है? मन में सुख आया, पर मन को मैंने, मन मेरे पास है ना, मन मेरे पास है, तो मन का रंग मुझ पे चढ़ा, तो मैंने कहा मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मन ने किया पाप का विचार, मन ने पाप कर दिया। मन और मैं एक, मन की उपाधि मैंने मेरे में मानी, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं पापी हूं, पाप हुआ मन से, माना मुझ में, मन ने पुण्य किया, मंदिर गए, तीर्थ गए, दान किया, यज्ञ किया, हा पुण्य कर्म हुआ, मन है मेरे पास, मन के इस विचार को मैंने अपने में मान लिया, तो मैंने कहा मैं पुण्य हूं। मैं पुण्य हूं क्या? मैं तो मन से अलग था, मैं तो सिर्फ सत्य स्वरूप था, मैं तो सिर्फ मन का साक्षी था, पर मन के रंग अपने में जान लेने के वजह से the association of mind has brought the colors of mind into me. Hence, if mind is vice, filled with vices, you say I am a sinful person. If mind is filled with good thoughts, then you say I am a good person. But it should have mean that it is the mind which has the color and I am separate from the mind. मैं तो मन से अलग हूँ, पर मन की उपाधि अपने में मानी, तो पापी पुण्य माना। अच्छा, देखती इंद्रियां हैं, इंद्रियां उपमाने पास, इंद्रियों का आरोप आदि, उसका आरोप भी अपने में कर लिया, तो अब मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं,